हेस्को के संस्थापक और प्रख्यात पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने भोगपुर में उत्तराखंड घराट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पन चक्कियां उत्तराखंड के निवासियों के लिए अत्यंत जरूरी हैं। इससे आजीविका और रोजगार देने के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रख्यात पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने भोगपुर में घराट मतलब पन चक्की का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मृत पड़े घराट को पुनर्जीवित करने की बात कहते हुए कहा कि घराट उत्तराखंड की आजीविका और रोजगार देने के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिसे सरकार और क्षेत्रवासियों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने भोगपुर के अलावा मालदेवता में भी घराट का निरीक्षण किया और कहा कि बड़े बाघ परियोजनाओं से उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, जबकि छोटी छोटी पंचक्किया चलाकर बिजली भी बनाई जा सकती है, दूसरे कार्य किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये भी अब सरकारों के बीच में है कि हम नए रोजगारों को कैसे पनपाए और वो भी अगर संसाधनों पर आधारित हो तो ज़्यादा बेहतर हो, और यही इस कड़ी में घराटों की एक बड़ी भारी भूमिका रही है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि घराटों से जो भी सरकार को टैक्स मिलता था अध्यापकों की उससे पे जाती थी। यह आपको आश्चर्य होगा जान के, पंचायतें लेती थी, पंचायतों के स्कूल घराटों के पैसों से चलते थे। वो व्यवस्था आज एक आक्रमण हुआ है घराटों में डीजल इंजन से, इलेक्ट्रिकल इंजन से, लेकिन पिछले 15-20-25 सालों से हमने इसको लेके बड़ा एक रणनीति ये की थी कि घराटों का आटा अपने आप में अलग होता है। और मेरा सभी से अनुरोध भी है, मैं स्वयं घराट का आटा खाता हूँ, क्योंकि जो मिल का आटा होता है उससे तमाम तरह की शरीर में संकट पैदा होते हैं। तो एक बात ये थी कि हम घराटों को वापसी में कई रोजगार भी खड़े करेंगे, अपना संसाधन है, पानी की दुनिया भर में लड़ाई है, जब मैं पानी का उद्योग चलाऊंगा तो पानी को बचाऊंगा भी, पानी को लाऊंगा भी, पानी का संरक्षण भी करूंगा। और ये इतिहास इस बात को साक्षी है कि दूसरी शताब्दी के घराट आज तक जिंदा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दूसरी शताब्दी से कई चीज़ें विलुप्त हो गई होंगी, कई चीज़ें विलुप्त हो गई, लेकिन घराट जिंदा है, लड़खड़ाते हुए किसी भी तरह से जिंदा है। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है सारे देश और दुनिया के लिए कि एक टेक्नोलॉजी जो दूसरी शताब्दी की वो आज भी चलती है। तो आज यहाँ पे एक तरह का बातचीत थी जिसमें हमारे बीच में अधिशासी अभियंता उनियाल जी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन के हैं, जो कि इस इलाके के जिनके दायित्व हैं, उनके साथ मिलकर एक मंथन है कि हम घराटों के भविष्य को सिंचाई विभाग के माध्यम से कैसे देख सकते हैं। ये एक घराट है, इसी कड़ी में कई लग सकते हैं जो स्थानीय लोगों को रोजगार तो देगा ही देगा, लेकिन पानी का एक जल ऊर्जा का सही उपयोग हो मात्र एक घराट से नहीं होगा, और ये खाली पिसाई के ही काम नहीं आ सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमने इसमें जो रजाई भरने का काम होता है वो भी घराट से चल सकता है। आपकी कई चीज़ें घराट से, मसाला, कई कुटीर उद्योग घराट की शक्ति से चलेंगे। मुझे याद है, मैं बात कर रहा हूँ 40 से 50 साल पहले की, गौचर में एक जल चरखा चलता था जो इससे चटाइयाँ बनाता था। तो ऐसी संभावनाओं को अब शायद दोबारा नए विज्ञान के आने के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो यही मंतव्य था आज भोगपुर, क्योंकि बहुत पुराना घराट है, इससे हमारा 20 साल से जुड़ाव है, इसको का तकनीकी जुड़ाव है, और यहाँ आकर इसी पर मंथन करना था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।